थाना गोवर्धन पुलिस को दो सफलताएं हाथ लगी हैं। दो दिन पूर्व हुई हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने पकड़ा है, वहीं मोबाइल चोरी के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गोवर्धन पुलिस को उस समय बड़ी दो कामयाबी हाथ लगी जब क्षेत्र में दो दिन पूर्व हुई रोहित की हत्या के आरोपी अभियुक्त अनिल उर्फ बाटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं दो नामजद आरोपी शीतल और लखन, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर घूम रहे थे। सीओ गोवर्धन वरुण कुमार सिंह ने बताया कि 9 दिसंबर को थाना गोवर्धन क्षेत्र में रोहित नामक युवक की हत्या कस्बा गोवर्धन के ही रहने वाले अनिल उर्फ बाटी, शीतल और लखन के द्वारा स्मैक के नशे में धुत होकर जुआ के पैसे को लेकर कर दी गई थी। थाना गोवर्धन पुलिस ने नामजद हत्यारोपी अनिल उर्फ बाटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं राधाकुंड विगत दिनों हुई मोबाइल की नकदी की चोरी की घटनाओं में आज पुलिस ने सोनू नामक अभियुक्त को चोरी के मोबाइल सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस घटना का खुलासा करते हुए गोवर्धन क्षेत्र अधिकारी वरुण कुमार सिंह ने बताया कि गिरोह के अन्य साथियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। क्या कुछ मामला है? ये थाना गोवर्धन जनपद मथुरा में दो सराहनीय कार्य पुलिस द्वारा किए गए हैं। एक सराहनीय कार्य दिनांक 9/12/2019 को एक व्यक्ति जिसका नाम रोहित रोनू है, जिसकी उम्र करीब 23 वर्ष और वो चकलेश्वर थाना गोवर्धन क्षेत्र का रहने वाला है, उसका कुछ व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दिया गया था। तो जैसे ही हत्या की सूचना मिली पुलिस हम लोगों ने मौके पर पहुँच के उसकी डेड बॉडी को हम लोगों ने बरामद किया और पोस्टमार्टम हेतु हम लोगों ने डेड बॉडी को भेजा। फिर पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस द्वारा तत्काल इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके हम लोगों ने जांच कराई। जांच में जो तथ्य सामने आया कि जो मृतक व्यक्ति है वो एक स्वयं वो नशे का आदि था। वो अपने तीन अन्य दोस्तों के साथ, जो कि स्वयं तीन चारों लोग नशे के आदि थे, ये एक घटना के दिनांक से एक दिन पहले ये लोग आपस में जुआ खेले और जुआ खेलने के दौरान इन लोगों में पैसे रुपए को लेकर के आपस में विवाद हुआ। विवाद के स्वरूप जो तीन शेष इसके दोस्त थे उसके द्वारा इस जो मृतक व्यक्ति है उसकी हत्या कर दी गई गला घोट कर। सर, इसमें कितने अभियुक्त और कितनों को पकड़ा जा चुका है? अभी जो वादी की तहरीर पे कुल तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक व्यक्ति जो अनिल उर्फ बाटी है, जो इसका सबसे निकट दोस्त था, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और जो शेष दो व्यक्ति हैं उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, राधाकुंड से जो आरोप पकड़ा है, क्या कुछ मामला है? जो दूसरा सराहनीय कार्य थाना गोवर्धन क्षेत्र का है, उसमें एक शातिर मोबाइल चोर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम सोनू है, जो करीब 25 वर्ष का है और ये राधाकुंड थाना गोवर्धन क्षेत्र का रहने वाला है। इसके द्वारा कई घटनाएँ स्वीकार की गई हैं। इससे हम लोगों ने चोरी की एक मोबाइल को भी बरामद किया है और केस जो इसके गैंग के सदस्य हैं, हम लोग उसकी जानकारी कर रहे हैं। अभी जल्दी उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी।